ये लगाया तो था लेकिन वो अपडेट ही नहीं हो रहा हो। स्टूडेंट ने अगर फीस पे करी है बुक के लिए तो वो कलेक्ट नहीं हो पा रही है या स्टोर नहीं हो पा रही है, तो ऐसा तो नहीं है, वो सब चेक करना है। इंटरफेसिंग एरर्स, इंटरफेसिंग एरर्स तो नहीं है किसी तरह की, कि इंटरफेस अगर आपने बनाया है कि किसी उसके लिए, बुक के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कि बुक ऑनलाइन पढ़ पा रहा है बच्चा, या इशू ऑनलाइन कर पा रहा है, या रिटर्न ऑनलाइन कर पा रहा है, ऑनलाइन तो खैर नहीं कर पाएगा, पर उसके लिए अगर कोई प्रोविजन है क्या, या रिक्वेस्ट कर रहा है कि 3 दिन के लिए उसे और टेक्स्ट चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब है और वो घर से ही अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 3 दिन का एक्सटेंशन और मिल जाए बुक रिटर्न करने के लिए, तो क्या ऐसा कर पा रहा है? तो इंटरफेसिंग ये एरर तो नहीं आ रही किसी भी तरह की। एरर डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर जो भी डिजाइन किया गया है, चाहे वो ट्री फॉर्मेट हो, लिंक्ड लिस्ट हो, या जो भी कुछ हो, तो क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? परफॉर्मेंस एरर, ऐसे तो नहीं कि वो सॉफ्टवेयर लोड होने में बहुत टाइम लेता हो, क्या आपने ओपन किया अब लोड होने में टाइम लगा रहा है, वो 10 मिनट तो लोड ही होता रहेगा।